జిందాబాద్ 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 ఓకే ఆదివాసి నేత జిందాబాద్ मेरा नाम केपी प्रधान है। मैं राष्ट्रीय गोंडवाना गोंड महासभा का नेशनल प्रिस्ट और ट्राइबल रिलीजन कोर्ट का स्पोकमैन हूँ। हम लोग यहाँ भारत भर के जितने आदिवासी हैं और मुख्यतः गोंडवाना, गोंडवाना शब्द कहना चाहिए, आधा पृथ्वी का नाम गोंडवाना दिया गया है, तो हम तो आधा पृथ्वी के मालिक अपने आप को समझते हैं, सिर्फ भारत ही नहीं। परंतु अभी भारत के लेवल पर हम अपने बहुत सारे समस्याओं को लेकर आए हैं। हमने राज्य के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर बहुत आंदोलन किया, बहुत डिमांड किया, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं हो पाई, इसलिए मजबूरन होकर हम लोग को दिल्ली का रास्ता अपनाना पड़ा। जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करने आए हैं। अभी भारत के जितने गोंडी धर्माचार्य पुजारी हैं आदिवासी को आए हैं, ये अगर यहाँ से अगर हमारा रास्ता आगे नहीं बढ़ता तो हम इस आंदोलन के रास्ते को प्रचंड करेंगे। प्रमुख मांगे तो बहुत सारा है, हमारा कस्टम है, हमारा रीति रिवाज है, हमारा संस्कार है, हमारा जो शमशान भूमि का मांग है, हमारा भाषा बोली है, लेकिन सबसे बड़ी मांग है अभी 2021 में जो NPR आ रहा है, नेशनल पब्लिक पॉपुलेशन रजिस्टर्ड, इसमें देखा जाए तो आदिवासी जो 15 करोड़ की संख्या में भारत में, इनका कोई भी धर्म कालम नहीं है। धर्म कालम न होना एक तरीका से आर्टिकल 14 का डिनाय है, समझिए वो है ना, उल्लंघन है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही अपनी मांग कर रहे हैं। NPR से देखिए हमारा प्रॉब्लम बहुत, NPR, CA और CA और NCR, NRC तीनों से प्रॉब्लम है, लेकिन यह बहस अभी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। हमारा सिर्फ डिमांड है कि हमारे जो आदिवासियों का रूढ़ी पद्धति, भाषा बोली, हमारा जो जाति परंपरा, कस्टमरी ला, रीति रिवाज, संस्कार, ये सारे हमको स्वतंत्र किया जाए, पूरा मतलब प्रभावशील होना चाहिए। और सबसे बड़ा हमारा मांग है धर्म कालम 2021 के जनगणना में होना है। तो 15 करोड़ भारत के जो आदिवासी हैं उनका एक ही मांग है कि उनका एक कालम होना चाहिए जिसमें अपना धार्मिक जनगणना करवा सके, ये सबसे पहला हमारा मांग है। बाकी जो भी हमारे रीति रिवाज संस्कार है वो स्वतंत्र होना चाहिए, पूरे आदिवासियों की भाषा बोली स्वतंत्र होना चाहिए, और इसके बाद जो आर्थिक मामला है, सामाजिक मामला है, वो भी उनका स्वतंत्र होना चाहिए। एक विशेष मामला है हमारे गोंडवाना में, हमारे आदिवासी में जब भी आदमी ख़त्म हो जाता है तो बादरी को हम डिस्पोजल करते हैं, मतलब उसको कफन दफन करते हैं, तो ज़मीन में दफनाते हैं। इस हैसियत से देखिए मुसलमान को, क्रिश्चियन को, सबको अपना कब्रिस्तान मिला हुआ है, लेकिन हमारे गोंडवाना या आदिवासियों को जो हमारा रीति रिवाज संस्कार के अनुसार दफन कर, सब आदिवासियों का होना चाहिए, सब दफन करते हैं तो हमारा भी सेपरेट शमशान भूमि हमको मिलना चाहिए। देखिए है जमीन है, दूसरे को जैसे दे रहे हैं हमको भी मिलना चाहिए, जैसे दूसरे, हम तो अपना नया चीज़ मांग नहीं रहे हैं ना, दूसरे जो मिला है उसी चीज़ को आधार मान के मांग रहे हैं, संविधान के अंदर मांग रहे हैं, तो हमको भी मिलना चाहिए, हमारा रीति रिवाज होना चाहिए। और आगे की रणनीति हमें बता रहे हैं, ये तो शुरुआत है हमारा दिल्ली का, अगर ये नहीं हुआ हमारा मांग तो हम आगे प्रचंड आंदोलन करेंगे। हमने पहले भी अभी कहा कि हमारा धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज पूरा गुलाम है,
क्योंकि स्वतंत्र ना होना गुलाम है। तो धार्मिक गुलामी की आज़ादी जैसे लड़ा जाता है ना, वैसी की लड़ाई हमको आज़ादी की लड़ाई के जैसे हमको लड़ना पड़े। अभी 4 बजे के आसपास या दो बजे के आसपास प्रधानमंत्री कार्यालय से आएंगे, हमारे 4 आदमी जाएंगे, वहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे हम राष्ट्रपति, इसके बाद प्रधानमंत्री और RGI महालेखा परीक्षक जो है उसको हम ज्ञापन सौंपेंगे। मेरा नाम रावेन इनवाती है, मैं अखिल गोंडवाना कोया पुणे भूमक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं महाराष्ट्र से। हमारा काम है मांगे मांगना, पूरी करना नहीं करना सरकार का कर्तव्य होता है। सरकार जो है गवर्नमेंट है, आज इतने साल से देश स्वतंत्र होने के बाद भी आज ये मूल्य वंशियों पर बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके कोई मांगे सरकार पूरी नहीं कर रही है। इसीलिए हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में, मांग पूरी नहीं हुई तो क्यों, कि हम इस देश के मूल वंशी लोग हैं, देश तो हमने बसाया है, पहले से देश में रहने वाले लोग हैं, हमारी संस्कृति हमारी भाषा और हर चीज़ हमारा अलग है, मृत्यु संस्कार जन्म संस्कार विवाह संस्कार और पुरातन काल से जो चलते हम निसर्ग को मानने वाले लोग हैं, हम निसर्ग के अनुसार चलते हैं और निसर्ग के अनुसार भाईचारा से देश में रहते निवास करते हम लोग। लेकिन सरकार हमको ये समाज को इतना नीचा देखती है कि भाई ये समाज तो बहुत ऐसी है, क्योंकि हम सभी को प्यार और भाईचारा से चलने वाले लोग हैं इस देश में, और अभी तो पहले अड़ानी अनपढ़ गवार थे लेकिन अभी पढ़े लिखे लोग होने लगे हमारे, आज तो सब जानने लगे कि ये देश क्या है, हम कौन है। इसलिए हमारे धर्म संस्कृति और भाषा को मंजूरी मिलना चाहिए और हमको इस देश में हमारी जो मशान घाट होता है हम माटी दिया जाता, अग्नि नहीं दिए जाते, क्योंकि निसर्ग का हर चीज़ निसर्ग में मिलता है, इसलिए जलाना निषेध मानते हैं हम लोग। जितने भी दिल्ली के अंदर जो भी आदिवासी होगा उसका मशान घाट होना चाहिए अलग से, अलग अलग राज्य में सिटी में अलग होना चाहिए, हर जिले में हर गांव में मिलना चाहिए, देहात में तो मिल ही जाता है जगह, सिटी के अंदर में हमको जगह देने को नहीं देख रहे, जो कि भूमि हमारी है, भूमि हमारी है, हम मूल वंशी लोग इस देश के और निसर्ग को मानने वाले लोग हैं हम लोग। तो सरकार कभी आदिवासियों के अन्याय अत्याचार होते रहता है, आदिवासी के ऊपर बहुत अन्याय होते रहता है, बहु बेटियों पे बलात्कार होते रहते हैं, उनकी बातें सुनी नहीं जाती, इसलिए हम ये आंदोलन और मान्यता के लिए हम आज आए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनजाति मोर्चा, बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया गया, बिल्कुल ही संज्ञान नहीं लिया गया, ये पता है आपको ये देश आदिवासियों का है। सब कहते हैं आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन कोई बता सकता है आज़ादी की लड़ाई लड़ने के प्रमाण आज हमारे घरों में भी है। अंग्रेज थप्पड़ से भागे नहीं थे, अंग्रेज किसी के डंडे से नहीं भागे थे, उनके उस समय अंग्रेजों के पास तोप और गोला था और हमारे पास तीर और कमान था, हमने एक एक जगह अंग्रेजों को इतना ढेर किया था कि अंग्रेज जंगल का रास्ता भूल गए थे। ये लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी और अंग्रेज भागे थे तो भारत के पास उसमें कोई हथियार नहीं था, अंग्रेज हमारे तीर और कमान से भागे थे, जो कि आज भी आदिवासियों के घर में तीर और कमान पाया जाता है। प्रधानमंत्री को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे भारत सरकार से, हमारी तो बहुत सारा डिमांड है, बहुत सारी मांग है, जल जंगल जमीन हमारा है, उसका हमारा अधिकार होना चाहिए, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि जंगल जमीन के अंदर जो भी खनिज संपदा है उस पर 50% वहाँ के लोगों का अधिकार आधिपत्य होता है, लेकिन दिल्ली से लोग जा करके हमारे जंगलों में हमारे खनिज संपदा पे करोड़ों पति हैं और आज हम वहाँ जंगल में रह करके हमारे जमीन के नीचे खदान निकलता है और हम खाकपति हैं। ये भारत की नीतियाँ हैं, ये भारत के नियम है, हम किस बात पर इतराए, किस बात पर भारत माता की जय बोले, इसके लिए कि हमारे बेटी बहनों की छाती चेक किया जाता है कि हाँ ये वाकई में वो बच्चे वाली है या नक्सली है, हमको नक्सली कह के मार दिया जाता है, हम उसके लिए गर्व करें, उसके लिए भारत माता की जय बोले, ये हमारे भारत की नीतियाँ हैं हमारे लिए। उसके बाद से जंगलों में नक्सली कह के मारने के अलावा आप देखिए जा करके कि कितने हमारे भाई निर्दोष आज की डेट में जेलों में बंद है, हमारे साथ क्या न्याय हो रहा है। ये जब भारत देश आजाद हुआ था आपको पता होना चाहिए कि 560 रियासतों में पूरा देश बटा हुआ था, जिसमें 258 राजघराना सिर्फ गोंडवाना का था, उस समय 65% जमीन भारत में विलय के लिए हमने दिया था, अगर 65% जमीन हम ना देते तो भारत का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये भारत के लोग सांस लेने की भी इनको जगह नहीं मिलती, 258 राजघराना हमारा था।
अगर किसी को विश्वास नहीं है तो लास्ट गवर्नर ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन की चिट्ठी निकाल कर आप सार्वजनिक करें भारत सरकार लोगों के सामने की देखो 258 राजघराना गोंडवाना था, गोंडवाना का था कि नहीं था। हम उस पर गर्व करते हैं हमारा 258 राजघराना था। उसके बाद से हमारे पास जल जंगल जमीन हर चीज़ से हमको वंचित किया गया, एजुकेशन में हमको पीछे किया गया। अगर इस देश में हमारी 15 करोड़ आबादी है लेकिन एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पीछे हैं। हमारे क्षेत्रों में 20-20 किलोमीटर तक कहीं स्कूल नहीं है, 20-20 किलोमीटर तक अस्पताल नहीं है। हमको भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है कि तुम जियो या मरो, ये भारत की नीतियाँ हैं। हम इसके लिए भारत पर इतराएँ और इसके लिए जयकार हुआ है ये तो अभी हमारे ये समझिए कि भारत के अंदर प्रथम हमारे भूमिका संघ जो आप ये संख्या देख रहे हैं प्रथम पहली बार दिल्ली चल के आए हैं। ये तो अभी शुरुआत हुई है। अगर भारत सरकार मान जाएगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो आगे ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उसके साथ साथ हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि हमारा ये धर्म कोड सिर्फ धर्म कोड नहीं है, ये हमारी जनसंख्या कोड भी है। ये तो हमारा तो जनसंख्या कोड में कालम 1871 में इस देश के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों ने जनगणना शुरू किया था। 71 से लेकर के 41 तक हमको कभी इंडिजिनियस बोला गया, कभी ट्राइबल बोला गया, कभी आदिवासी बोला गया। उसके बाद से 41 तक होता चलाया। जब उसके बाद 41 के बाद जब देश आज़ाद हुआ 258 राजघराना दे करके हमने विलय कर दिया, हमारे कॉलम ही गायब हो गए। हमारे को कहीं अलग से काउंटिंग नहीं किया जाता है। हमारे को अलग से काउंट नहीं करने का मतलब कि हमको हिंदू में काउंटिंग किया जाता है। अरे हिंदू में काउंटिंग का हमारा तो ये देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमारा हक अधिकार जो है हमको अलग करो भाई। उसके बाद से हमारी परंपरा अलग है। हमारी शादियाँ अगर होती है हम लोग अपना ट्राइबल रीति रिवाज हिंदू धर्म से अलग है। जब हम अपनी शादी ब्याह करते हैं उसके बाद कहीं मामला बिगड़ जाता है, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हमें फैसला सुनाया जाता है। अरे हमने शादी अपने आदिवासी रीति रिवाज से किया है और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फैसला सुनाया जाता है, हमें सजा सुनाया जाता है, ये कौन सा प्रावधान है भाई? भारत के अंदर तो अभी संविधान पूर्ण रूप से लागू ही नहीं हुआ। हमारा डिमांड सिर्फ है कि भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करो, उसके बाद हम इस लड़ाई को रोकेंगे। जब भारत का संविधान जिस दिन लागू हो जाएगा आदिवासी उसी दिन खुशहाल हो जाएगा। आदिवासी ही नहीं, इस देश का SC ST OBC समाज जो 85% है, हमारी डिमांड ये भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम जितने हैं उतना हमारा दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। जनगणना लेके आए हैं, उन्होंने हमको अबॉरिजिनल आइडेंटिटी देके जनगणना कालम देता। इस देश में जो स्वतंत्रता आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन कंफर्म होने के बाद 1951 सेंसस में भी हमको शेड्यूल ट्राइबल कालम था, वो कालम 1961 से हटा दिया है। आज इस जनगणना में अदर्स कालम भी हटा दे दिया है। यहाँ आने के बाद हमको पता मिला है ये कैसा है कि जो आदमी जिंदा है उसको डेथ सर्टिफिकेट दिया है, कैसे है ऐसा है, इस गवर्नमेंट ने ऐसा कर रहा है। मगर इस देश में आदिवासी जीवनधारा और विचारधारा जो रिलीजन के पहले भी था, स्वतंत्रता के पहले भी था, अभी भी जिंदा है, मगर हमको रिलीजन आइडेंटिटी दे इस गवर्नमेंट में हमको नहीं दे रहे। एक है अभी देखो लगभग 2011 सेंसस में लगभग 9 करोड़ आदिवासी समुदाय था, मगर अदर्स कालम में आदिवासी समुदाय जो लिखा है कम से कम 75 लाख लिखा है। बाकी आदिवासी किसी रिलीजन में बंटवारा हुआ है ये किसी ने किया है, गवर्नमेंट में खुद ही किया है, हमको पता ही नहीं चला हम दूसरा रिलीजन में जा रहे हैं, ये दबाव से हो गया है। इसी दबाव में इस साल इस नया गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है कि हमको पूरा इस देश में आदिवासी जीवनधारा कस्टम्स भी कुछ भी नहीं है बोल के अदर्स कालम भी हटा दिया है, ये हमको डेथ पेनाल्टी दे दिया है। मगर इस देश का जो 10 करोड़ आदिवासी समुदाय हम इसको नहीं मान रहा है, इसीलिए हमको अदर रिलीजन नहीं है, आदिवासी अबॉरिजिनल कालम हमको सेपरेटली देने के लिए मांग डिमांड करते ही इधर आया।